Now, this is a question based on statement based question, right? The statement is given and two conclusions are given, right? So we have to find which conclusion we can draw from this, right? Statement is India is the world largest producer of milk. India mein sabse zyada milk hota hai. ठीक है, अब इसका conclusion वो क्या बोल रहा है? India is world largest exporter of milk. अगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो जरूरी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट. हो सकता है हमारा यहाँ पे कंजप्शन इतना हो रहा हो कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए मिल्क नहीं है हमारे पास. तो दिस कॉन्क्लूजन इज रॉन्ग, फर्स्ट वन. सेकंड, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क. अब प्रोडक्शन हम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है हमारा कंजप्शन इतना ज्यादा हो कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है मिल्क को, है ना. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो यहाँ पे बोला है डज नॉट, तो वी कैन नॉट से अबाउट दैट, राइट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द आंसर विल बी नाइदर कॉन्क्लूजन वन नॉर कॉन्क्लूजन टू फॉलो. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, राइट. ये क्वेश्चन तो सबने कर दिया होगा आई होप इन द एग्जाम, बिकॉज दिस इज द इजी वन, राइट.